सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि कण कैसे लगाएं हम किसी भी गाने में, कण को कैसे यूज करते हैं, और बिना कण के जो है हमारा गाना बहुत ही सिंपल सा लगता है और उसमें भराव नहीं आता। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कण जो लगाना होता है ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है। आप बिल्कुल अगर प्रैक्टिस किए हुए नहीं हैं, आपके हाथ में स्पीड नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप कण नहीं लगा पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि कण जो है वो बहुत ही बारीकी से चलता है। किसी भी रीड को जरा सा छू करके वापस आ जाना। मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह हम कण को लगाते हैं और कण की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम कोई गीत सुनते हैं और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि कण आप जब ही लगा पाएंगे जब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से गाना याद होगा, गाने का हर एंगल आपको याद होगा, हर नोक उसकी याद होगी, तभी आप कण लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कि हम गाने में कण किस प्रकार यूज करें जिससे हमारे गाने में मधुरता है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, ये मैंने पहले बताया कि एडवांस लेवल की चीज है, इसको शुरू में अगर आप लगाना चाहेंगे तो ये नहीं लगेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मैं बता दूं नहीं कि मैं बता रहा हूं आप लगा ही लेंगे। लगाएंगे तो वो कहीं ज्यादा लग जाएगा, कहीं कम लग जाएगा, तो भी बेसुरा होगा। ठीक है, तो अगर आप कण के साथ में गाने को बजाना चाहते हैं, मैं समझाऊंगा जरूर आपको और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जरूर कण लगाना सीख जाएंगे, पर इसके लिए आपको बेसिक की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी हमने एक गाना जो आपको बजाकर सुनाया, सजन रे झूठ मत बोलो। ठीक है, अब इसमें गाने में जैसे देखिए आप, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये सब कण है। अगर हम इसको सिंपल लें, वहाँ पैदल ही जाना है, तो सिंपल हुआ। पर गाने की जो खूबसूरती है वो क्या है, वहां पैदल ही जाना है, वहां पैदल ही जाना है। अब क्यों गाने को वहां पैदल ही जाना है, ही जाना है, गला पूरा हिल हिल के आ रहा है, तो जिस तरह हमारा गला हिलता है उसी तरह हमारा हाथ भी हिलता है, तभी कण लगते हैं। और अगर वो आपका गला नहीं हिल पा रहा है या आपके माइंड में वो चीज़ नहीं है तो कण भी नहीं होंगे। अगर जैसे हमारी सिचुएशन गाने की लाइन अभी हमने ली, वहाँ पैदल ही जाना है, अब जो हमारे दिमाग में जो हमारे गले में सुर बैठा है उसी को हमें उतार कर हारमोनियम पे लाना है, वो किस तरह आएगा। अब जैसे हमने लिया, अब कण में क्या छू करके जाना है, वहां दल दल दल, अगर हम खाली दल लेंगे वहां दल, तो दल पूरा हो गया, पूरा हमने रीड दबाया तो वो मात्रा पूरी दब गई, वहां पे कण नहीं आया। अब हमें लेना है, हमारी सिचुएशन ये है, दल ही जाना है, हर रीड को कण के हिसाब से यूज करना, वहां पैदल ही जाना है। अच्छा, कण हम लें भी तो किस रीड का लें, ये भी एक सिचुएशन होती, ये मैं आपको बताऊंगा कि कण जो होता है उसमें कुछ निश्चित नहीं होता कि आप किस रीड का कण लेंगे, वो हमारे गाने की लाइन की फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रीड को छुएंगे जिससे हमारे गाने में भराव आएगा।
और ये मैंने शुरू में ही बताया था, ये एडवांस लेवल की चीज़ है। जब आप इस हारमोनियम को प्रैक्टिस करते हैं, सभी सुरों का बहुत अच्छा नॉलेज आपको होता है। अब जैसे हमने मान लो इसी गाने को लिया था, अब चलो इस गाने को हम छोड़ देते हैं, हम दूसरा गाना लेते हैं और हम उस गाने में कर्ण लेंगे तो कैसे लेंगे। अब अगर हमें इस रीड का नॉलेज ही नहीं है तो हम उस रीड पे कर्ण मारेंगे कैसे। अभी तो हमने चलो इस पे लिया कि वहाँ पैदल ही जाना है, वही सारे सेम जो हमारे गाने में सुर लग रहे हैं उन्हीं का हमारा कर्ण आ रहा है। लेकिन अब एक्चुअली बहुत सारे ऐसे गाने जिसमें हमेशा कर्ण अपोजिट चला जाता है, हमारे राग के जो रीड होंगे उनको छोड़ करके हमेशा अपोजिट जो रीड होते हैं उनका कर्ण लिया जाता है और उनके कर्ण से ही हमारे गाने में मधुरता आती है। जैसे हमें गाना ले लें, अब देखिए इसमें हमने एक कर्ण लिया और अभी इस लाइन को भी आप समझे, जो हमारे शुरू में ही अलाप आती है, अगर शुरू में ऐसे आई वो तो ये एकदम नॉर्मल सिंपल हो गया, इसमें कर्ण की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअली आलाप है कैसे, छोटा सा ऊपर नुक्ता मार करके और नीचे हमें आना होता है। अभी यहाँ पे हमने कर्ण यूज किया, और वो कर्ण यूज क्यों किया, क्यों किया, अब ये टिंग ये जो है ये कर्ण है लास्ट वाला, ये कंपोजिशन है आलाप की। अब उसमें जहां पे हमें कर्ण लेना है, अगर वहां पे हम पूरी रील ले लें या तो इसको हम सिंपल लें, तो उसमें वो चीज भी नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। तो अब कर्ण को छूना, अब कर्ण आप जब भी छू पाएंगे जब आपको पता होगा कि वो सुर कौन सा है और किस रीड का हम कर्ण लें, तभी आप उसको ले पाएंगे। ये कर्ण लेने वाली जो चीज़ है ये थोड़ी एडवांस लेवल की है। अब बात आई जैसे हम कर्ण का हमें नॉलेज होगा कब, ये सब चीज़ें जब आप सीखते हैं तभी आती हैं। आपने कभी अगर बंदिश वगैरह सीखी होंगी या राग सीखे होंगे तो आपको पता होगा, जब हमको बंदिश दी जाती है तो कई बार क्या होता है, बंदिश में जैसे कोई पा सुर है, अब उस पा पे किस सुर का कर्ण आ रहा है तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि पा के ऊपर सा का कण आएगा तो हमारे यहाँ पे भराव आएगा और कण से जो है हमारी लाइन में भराव आता है। ठीक है, तो कण लगाने के लिए भाई आपको मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, जब आपके हाथ में बैलेंस होगा तभी आप किसी रीड को आराम से निभा पाएंगे और तभी उसमें कण लग पाएगा। ठीक है, तो फिर से चलते हैं इस गाने पर। अब देखिए आने से उसके आए बहार, हा के बाद में इसका भी तो कर्ण ले सकते थे लेकिन नहीं लिया क्योंकि जो उसके लेवल है, आने आने से उसके आए बहार बह जो है वो कण है। अब इस रीड को हम पूरा नहीं ले सकते क्योंकि हाँ छू करके तुरंत वापस हमारी लाइन आ रही है, हमारी गायकी जो है वो छू करके वापस आ रही, तो हमें भी उसको छू करके ही वापस आना है और ये चीज आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से बसी होनी चाहिए तभी वो चीज उभर के आएगी। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी
बड़ी मस्तानी भी कराया, बड़ी मस्ता आ जो है वो कण है, बड़ी मस्ता बड़ी मस्तानी है। अच्छा है, अब है के बाद है, हम ये क्यों लेते हैं बार बार, ये भी कण है, है मेरी महबूबा, वहां पे हम रुक भी सकते हैं, है मेरी महबूबा, है मेरी महबूबा, तो उसमें भी वो भराव नहीं आएगा। कण का मतलब है खाली जगहों को पूरा करना, और उनको जब हम लगा करके किसी चीज को बजाते तभी वो उभर के आती। अब देखिए मैं आपको सिर्फ बजा कर दिखाता हूं, इस तरह। ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, जब आपके जहन में अच्छी तरह से गाना बैठा होगा, कहाँ पे गाना मुड़ रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ छूट रहा है, तभी आप उसको समझ पाएंगे और बजा पाएंगे। ठीक है, तो कण लगाने के लिए मैं यही कहूंगा कि मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि कण कैसे लगाया जाए। कण लगाने के लिए आपको पहले बेसिक तैयार करना पड़ेगा, जब तक तैयारी आप नहीं करेंगे कण नहीं लगेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपको प्लेन ही बजाना पड़ेगा। मैं झूठ बोलूंगा नहीं, और जो सच्चाई है मैंने आपको बताई। तो अगर आप गाने को इस तरह से बजाना चाहते हैं, भराव लाना चाहते हैं, तो आप पहले बेसिक को तैयार करें। हमारे हाथ में जब बैलेंस होता है तभी हम किसी चीज को अच्छे से बजा पाते हैं। कम से कम इतना हाई स्पीड तो हमारे हाथ में होना ही चाहिए कि हम रीडों पे दौड़ पाएं। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ में एक बैलेंस तैयार होता है, और तभी वो बैलेंस जो है, बैलेंस के हिसाब से ही हम रीड को पकड़कर और कण लेते हैं। अगर हम इस रीड को पकड़े हुए हैं और कण लेते हैं तो भी हम इसको पूरा दबा करके कण नहीं लेंगे, इसको भी हमें कितना दबाना है, कितना दबा करके रखना है। अब मान लो ये रीड पूरी जो इतना दब जाती है, अब इसको पूरा दबा के हमें नहीं रखना है गाने में, गाने की सिचुएशन के हिसाब से ही ये दबाई जाती है, आधे पे रोकना है या आधे से थोड़ा ज़्यादा पे रोकना है या बिल्कुल छू करके ही रखना है। तो ये सब हमारे गाने की फीलिंग पे डिपेंड होता है। जब हम गाना गाते हैं तो गाने के हिसाब से ही हमें रीड को यूज करना होता है। सारे गाने इसी में भरे हुए हैं, बस समझ की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे आप उसको बजाते जाते हैं। ठीक है, ये एकदम आने वाली चीज़ें नहीं है, तो इसको आप, मैं समझता हूँ, जरूर समझे होंगे अच्छे से। और इस तरह आप अगर अपने आप को तैयार करेंगे तो आप कण भी बहुत अच्छे से लगा लेंगे गाने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही हारमोनियम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।